एबीपी सांझा देख रहे हो तुसी ते मैं हां रोहित पक्का इस वक्त हिमाचल दे मंडी दे विच खड़े होए हां और हुण तो कुछ देर दे विच अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान इत्थे रोड शो शुरू करन जा रहे ने। तस्वीरां तुहानूं दिखा दिंदे हां कि जिहड़ा हत्थां दे विच बैनर है वह फड़े हुए ने और उपर लिखा होया है भाजपा वालों काम करना शुरू कर दो नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। तो शोले फिल्म का डायलॉग के गब्बर आ जाएगा तो उही जिहड़ी भावना अज दिखाई दे रही है हिमाचल दे मंडी दे विच। की नाम है जी? मेरा नाम डॉक्टर दीपक बंसल है। अज असी बैनर पढ़ रहे हैं बीजेपी वालों काम करना शुरू कर दो नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। हाँ जी, ये विचार हमारे नहीं है, ये इन्हीं विधायकों के विचार हैं। इनको रोज रात में सपने में केजरीवाल आते हैं। ये एक दूसरे को, इन्होंने हरियाणा असेंबली में भी ये कह के एक दूसरे को चेताया, अरे काम कर लो नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। ऐसा ही हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भी हुआ, तो ये स्लोगन इन्हीं का ही दिया हुआ है। हम भी इन्हीं को ये कह रहे हैं, जनता भी इन्हीं को ये कह रही है कि काम कर लो नहीं तो केजरीवाल ने जिस तरह से पंजाब के अंदर व्यवस्था बदल दी और भगवंत मान जी को सीएम बना दिया, ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में भी होगा ही होगा। क्या क्या काम लगते हैं जो बीजेपी ने अभी तक नहीं किए? अभी आप ये देख लो कि भगवंत मान जी के आते ही एक हफ्ते के अंदर करप्शन की कमर तोड़ दी। ऐसा क्यों होता है कि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनसे 70-70 साल में करप्शन दूर नहीं होती? और ऐसा क्या कारण है एक ईमानदार पार्टी आती है, भगवंत मान जी जैसे सीएम बनते हैं और एक हफ्ते के अंदर करप्शन खत्म हो जाती है? महिलाएं भी हमारे साथ है। हिमाचल से हो? हाँ जी। हिमाचल से हो? नहीं नहीं, लुधियाना से है। लुधियाना से आए, पंजाब से। क्या लगता है महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी बात, महिलाओं की सुरक्षा की तरफ केजरीवाल जी का पहला ध्यान देंगे। सुरक्षा इम्पोर्टेंट होगी उनके लिए। महिला सशक्तिकरण सबसे इम्पोर्टेंट होगा, जैसे पंजाब में उन्होंने किया है वैसे यहाँ पर भी होगा। तो महिलाओं दे लई कहने काम होना चाहिए। तो तस्वीर तुसी देख रहे हो, आपका क्या नाम है? मैं निधि गुप्ता जी, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी पंजाब। तो क्या लगता है हिमाचल में कौन से काम है जो महिलाओं के लिए होने बाकी? सर, महिलाओं की जरूरतें, महिलाओं की सिक्योरिटी और महिलाओं के लिए रोजगार जो जरूरी है वो महिलाओं के लिए होना चाहिए। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए जितनी भी फैसिलिटीज दी उनको सबसे आगे रखा है और हमेशा से महिलाओं के महत्व को और महिलाओं की सारी जरूरतों को उन्होंने हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया। आमद अली काम का जो जिक्र है वो किया जा रहा है। ते तस्वीर तुसी देख रहे हो के जड़ी तैयारी है वो आरंभ हो चुकी है। इस पासे मेरे जेड़ा तुसी ध्यान दे रहे हो कैमरे की नजर नाल जेड़ा तुहानू दिखा रहे हैं कि हिमाचली ट्रेडिशन दे नाल, हिमाचली लोक साजां दे नाल, हिमाचल दे लोक तरीकियां दे नाल जेड़ा अज दा स्वागत हैगा वो किया जा रहा है। शहनाई बजा के और ढोल धमकियां दे नाल जिहड़ा अज दा स्वागत हैगा वो कीता गया अरविंद केजरीवाल दा। तां तस्वीरां तुहानू उस रोड शो दियां हुण तो थोड़ी देर दे विच भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब और उहनां दे नाल अरविंद केजरीवाल दिल्ली दे मुख्यमंत्री दोनों पहुंचणगे। सिक्योरिटी दे जिहड़े प्रबंध ने तुसीं देख सकदे हो कि किस तरह कीते गए ने। तां चंद मिनटा की हुण उड़ीक है, लगभग 1:40-45 के करीब जड़ा 1:45 के करीब क्या जा रहा है कि जड़ा रोड शो है वो शुरू कर दिता जाएगा। ता हुण तो कुछ ही मिनटा दे विच भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पहुंचणगे और सामने जड़ा ट्रक की तस्वीर तुहानू नजर आ रही है। इस ट्रक दे विच बैठ के अगे नूं जाणगे। तां तस्वीरां जिहड़ियां हिमाचल दे मंडी एरिए दियां तस्वीरां ने जिथे अज रोड शो कीता जा रहा और न्यू विक्टोरिया ग्राउंड, हिमाचल दा न्यू विक्टोरिया ब्रिज है जिहड़ा, उस ब्रिज तो जिहड़ी अज दी शुरुआत है वह कीती जानी है। विक्टोरिया ब्रिज दे नाल बिल्कुल नाल एक नवां ब्रिज है जिहड़ा बनाया गया न्यू विक्टोरिया ब्रिज, उस जगह तो जिहड़ी शुरुआत कीती जानी है। और गांधी स्मारक जिहड़ा मंडी दे जड़ा डाउन मंडी दा एरिया कहा जाता है जा जड़ा लोअर मंडी दा एरिया कहा जाता है उस जगह के उत्ते जड़ा चौंक हैगा
महात्मा गांधी स्मारक उसनू कहा जाता है, उस जगह ते जाके बाजारा बेचदी हुंदी हुई इस पूरे काफले इस रोड शो की जिहड़ी समाप्ति है वह की जाएगी। और विक्टोरिया ब्रिज के नाल तां मंडी का जिक्र इस करके खास है क्योंकि जिहड़ी अज शुरुआत की जानी है ये हिमाचल का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है जिहड़ा वह मन्या जांदा मंडी शहर नू क्योंकि मंडी बिल्कुल हिमाचल दे सेंटर दा जिला हैगा बिल्कुल केंद्र दे विच जिस तरह पंजाब दा असीं जिक्र करदे आं तां तुहानू मोगा जिहड़ा जिला हैगा बिल्कुल पंजाब दे सेंटर च नजर आउंदा ठीक उसे तरह मंडी हिमाचल दे बिल्कुल सेंटर च नजर आउंदा। और दूसरी चीज दा जेकर जिक्र करिए तां मंडी उह शहर है जिथों जयराम ठाकुर इसे जिले दे सिराज विधानसभा एरिए तों जित के जांदे ने तां किते ना किते अज सिद्धी चुनौती है जिहड़ी सिद्धी चुनौती है वह अरविंद केजरीवाल दे वलों भगवंत मान दे वलों हिमाचल दे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नूं दित्ती जाएगी। सिद्धी सिद्धी चुनौती हिमाचल बीजेपी नूं दित्ती जाएगी। तां अज वी जिस तरह हत्थां दे विच बैनर फड़े होए ने बैनरां ते लिखिया होया कि बीजेपी वालों काम करना शुरू कर दो नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा, तां सीधा सीधा जिहड़ा चैलेंज है वह अरविंद केजरीवाल दे वलों जयराम ठाकुर नूं दिता जा रहा है बीजेपी नूं दिता जा रहा है। तां जिहड़ी अज शुरुआत है वह इसे जगह तो कीती जा रही है, इसे जगह तो जिहड़ा शुरुआत हैगी वह कीती जा रही है हिमाचल दे मंडी तो 61 विधानसभा वाली इस विधानसभा का जेकर जिक्र किया जाए तो एक स्पष्ट बहुमत के नाल लगभग 43 सीटा के नाल बीजेपी सरकार दे विच कायम है ते दूजे नंबर ते कांग्रेस लगभग 22 तो 23 सीटा जिहड़ियां वह कांग्रेस के हिस्से है, उत्थे ही आजाद और CPI दे खाते भी जिहड़ियां कुछ सीटा आईयां एक दो सीटा उन्हां दे खाते जांदियां ने। तां सरकार बनाउण दे लई 35 सीटा का जिहड़ा टारगेट हैगा वह लगभग इत्थे रहिंदा हैगा। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 35 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 59 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚੀਵ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ 68 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 2014 ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 22 ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸੀਟਾਂ LIP ਔਰ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ LIP ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, LIP ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 92 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਜਨ। ਰਾਜਨ ਜੀ, ਕਿਆ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਮੇਂ ਕਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ? ਸਰ ਸਕਸੈਸ ਕਿਆ, ਜੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਨਾ 2014 ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਬ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਤੋ 70 ਮੇਂ ਸੇ 67 ਸੀਟੇ ਆਈ ਥੀ, ਪਰ ਯਹਾਂ ਪੇ 68 ਸੀਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ 68 ਕੀ 68 ਸੀਟ ਆਏਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟੇ ਆਪਕੋ ਆਈ? ਬਦਲਾਓ ਜੋ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾਓ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੇਂ।
पहली बार इलेक्शन लड़ रही है आम आदमी पार्टी यहाँ से, इससे पहले विधानसभा के इलेक्शन नहीं लड़े, लोकसभा जरूर लड़ती रही है, तो लगता है कि कोई बड़ा काम कर पाएगी, लगता है कि वो जो टारगेट पंजाब में अचीव किया वो टारगेट अचीव कर सकती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या काम लगते हैं जो अभी तक बीजेपी ने किए कांग्रेस ने नहीं किए? सर एक तो बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ हिमाचल में, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कर्ज पे कर्ज कर्ज पे कर्ज चला हुआ है, कोई इनकम सोर्स क्रिएट नहीं कर रही है, जिससे आम जनता जो पब्लिक है काफी परेशान है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री समस्या तब करके जो यूथ है हिमाचल का सारा बदलाव चाहता है। मुख्यमंत्री क्या करे, क्या लगता है आम आदमी पार्टी सरकार में आती पहले काम कौन से करे? सर जो बेसिक काम है बेरोजगारी का उसको दूर करेगी, और जहाँ तक हम सोच रहे हैं कि जो पहली की गवर्नमेंट थी बीजेपी कांग्रेस कर्जा ले रही थी वो नहीं लेगी। नहीं हिमाचल का यूथ क्या चाहता है कि यूथ क्या चाहता है हिमाचल का? हिमाचल का यूथ यही चाहता है जो आज बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको कम से कम एक घर को एक नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। इसी नीतियों से आज हर हिमाचल का एक एक यूथ आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है और आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। फिलहाल समा एक छोटे से ब्रेक का हो चले हैं, मिलते हैं एक ब्रेक तो।